क्या आप बेस्ट लार्ज कैप फंड्स देख रहे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कोरोना मार्केट क्रैश के बाद? तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखिए। हमने आपके लिए बेस्ट लार्ज कैप फंड शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं ताकि आपको फ़ायदा हो करंट मार्केट सिचुएशन का। शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब हम 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुके हैं। हमारा एम है कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचें। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो वेट मत करिए, सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और जीतिए एक एलेक्सा स्पीकर फॉर 10,000 रुपीज़। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एलेक्सा स्पीकर जीतने के लिए। थैंक यू। काफ़ी एनालिस्ट सोचते हैं कि इस टाइम बेस्ट स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट की है कि हम बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें, जिनका अच्छा ब्रांड नेम है, मार्केट में एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके पास कैश फ्लोज हैं और एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, तो इस मार्केट सिचुएशन का वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं। BSE ने एक डेफिनेशन दिया है लार्ज कैप कंपनीज़ का। बेसिकली ये वो कंपनियाँ हैं जिनका मार्केट कैप के बेसिस पे टॉप 100 रैंकिंग्स हैं और इन्हीं कंपनीज़ में ये लार्ज कैप फंड अपना मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी में जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा काम करा है और बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट करे हैं। इनके सारे फंडों ने पिछले एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और जो एक फंड जो इनका बहुत ही अच्छा कर रहा है उसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। मिस्टर श्रेयास इसके फंड मैनेजर हैं। फंड सेक्टर एग्नोस्टिक्स है, मतलब वो किसी एक स्पेसिफिक सेंटर पे फोकस नहीं करता है और वो इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनीज में जो अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं, मतलब पहले ये कंपनी एनालिसिस देखेंगे, फिर सेक्टर एनालिसिस देखेंगे और फिर इकोनॉमीज को देखेंगे कि इकॉनमी कैसी कर रही है। तो अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो इनका अराउंड 78% इन्वेस्टेड है इंडियन स्टॉक्स में, जिसमें 72% एक्सपोजर है इनका लार्ज कैप में। बैंकिंग, IT, फाइनेंस और फार्मा में इनका हाईएस्ट एक्सपोजर है एंड FMCG। इनका पिछले एक साल का रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा है और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनके फंड में इन्वेस्ट करा है, इनका फंड साइज़ ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का हो चुका है। अब जो दूसरे फंड हम सजेस्ट कर रहे हैं उसका नाम है SBI ब्लू चिप। SBI ब्लू चिप का दो बहुत बड़े एडवांटेज हैं। एक तो इनका ब्रांड नेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। दूसरे फंड हाउसेस से कंपेयर्ड में इनका एक्सपेंस रेशियो कंपेरेटिवली कम होता है। SBI ब्लू चिप फंड मोमेंटम स्टॉक से दूर रहता है इनफैक्ट, और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिन्होंने अच्छा रिटर्न करा है, अच्छा ग्रोथ करा है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये कंपनीज में देखते हैं कि जिन कंपनियों का एक डिस्टिंक्ट कंपेटिटिव एडवांटेज है उनमें इन्वेस्ट करें, जैसे श्री सीमेंट का सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम नहीं है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, लेकिन उनका वो एक्सट्रीमली कॉस्ट एफिशिएंट हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, इसीलिए SBI ने श्री सीमेंट्स में इन्वेस्ट कराए। इसका फंड साइज 11,000 करोड़ का है। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। इसका शॉर्ट टर्म में रिटर्न थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो इसके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 5 साल के पर्सपेक्टिव से खरीदिए, क्योंकि ये मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा और ऐसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है जिनकी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेज है अपने बिजनेस में, इसलिए आपको इसको एटलीस्ट 5 साल के लिए ख़रीदना चाहिए। अब तीसरा फंड है मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। इस फंड का नाम चेंज हो गया है, पहले इसका नाम मेरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड होता था और एक मल्टी कैप फंड होता था। काफ़ी लोगों ने इस इक्विटी मल्टी कैप स्कीम में इन्वेस्ट करा था और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहा है। इसका टर्नओवर बहुत कम है, कॉर्पस साइज ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ है और इसने अपने बेंचमार्क से कंपेयर बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एक्सिस के जैसे मेरे फंड हाउस ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करा है पिछले 3-4 सालों में और इनकी स्कीम्स ने रेस्पेक्टिवली अपने पेयर ग्रुप्स को और बेंचमार्क को काफ़ी अच्छी तरह से बीट करा है। इस फंड को मैनेज करते हैं गौरव मिश्रा और
मिस्टर अरशद, इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर कम है, मतलब फंड मैनेजर जो कंपनी खरीदते हैं उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, दे वो डिटेल अच्छा एनालिसिस करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और उन कंपनीज में इन्वेस्टेड रहते हैं। ये हम देख सकते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर की कैटेगरी का टर्नओवर ऑलमोस्ट 150 है और इस फंड का टर्नओवर है 21%। ये ज़्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, तो ये ऐसी कंपनीज में खरीद रहे हैं जिनकी वैल्यू अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, उनमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको होल्ड कर रहे हैं। मेरे का कॉर्पस साइज है 13,000 करोड़, तो लोगों ने इस स्कीम में बहुत ही फेथ दिखाया है और इन्वेस्ट भी करा है। एक और मिसकंसेप्शन होता है कि मार्केट में कि जितना लार्ज AUM होता है उतनी उसको इनफ्लेक्सिबल हो जाता है फ़ंड इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में, लेकिन ये सिचुएशन शायद मिड कैप में हो सकती है, लेकिन लार्ज कैप में ये सिचुएशन नहीं होती है जनरली, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज़ का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है और इन कंपनीज़ में फ़ंड मैनेजर्स इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपको कि जैसे कोरोना के बाद मार्केट गिरा था 30-35% और उसके बाद मार्केट ऊपर चले गया है काफ़ी, तो अब ऑलमोस्ट 10,000 के लेवल पे हैं, तो इस सिचुएशन में जब आप इन्वेस्ट करें तो आपको लगेगा कि मैंने प्रॉब्ली 8,000 से 10,000 की जर्नी में ही छूट गई है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छा SIP स्टार्ट करें और अगर लमसम कर रहे हैं तो एक स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करिए ताकि आपका रिस्क भी कम रहे और आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलें।